डेली करंट अफेयर्स को हम लोग कवर कर रहे हैं और आज 10 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखते हैं। पहला, ये हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 का समापन हुआ है और समापन समारोह में कांस्य पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया ने भारतीय दल की अगुवाई की है और ये भारतीय खिलाड़ियों द्वारा जो पदक जीते गए हैं उनकी सूची दी गई है। पहला है ये पुरुषों की जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद 49 kg वर्ग में महिलाओं के 49 kg वर्ग में भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है और इन्होंने 21 वर्ष के बाद पहले ही दिन रजत पदक जीतकर पदक तालिका में अपना नाम दर्ज कर लिया है। उसके बाद ये पुरुषों की 57 kg वर्ग में कुश्ती में ये रवि कुमार दाहिया ने स्वर्ण पदक रजत पदक जीता है और 65 kg कुश्ती में 65 kg फ्री स्टाइल में ये बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता है और बैडमिंटन महिला एकल में पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता है और यह ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली देश की पहली महिला और दूसरी खिलाड़ी बन गई है। उसके बाद ये मुक्केबाजी में 64 से 69 kg वर्ग में लवली बोरहोगेन ने कांस्य पदक जीता है और ये उसके बाद पुरुष भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भी कांस्य पदक जीता है और ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम 41 वर्षों के बाद ये बेल्जियम को हराने के बाद सेमीफाइनल में जर्मनी को 5-4 से हराकर ये कांस्य पदक अपने नाम किया है। उसके बाद ये अंतिम दिन की पदक तालिका दी गई है, इनमें विभिन्न देशों के द्वारा कितना पदक जीता गया है इसकी सूची है और इसमें कुल 113 पदक के साथ अमेरिका पहले स्थान पर है। अमेरिका ने 39 स्वर्ण, 41 रजत और 31 कांस्य पदक जीते हैं और उसके बाद चीन दूसरे स्थान पर है, जापान तीसरे स्थान पर है, ब्रिटेन चौथे स्थान पर है और इस सूची में भारत सबसे अंतिम स्थान पर है। भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं जिसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं और भारत का अब तक का यह 47वां स्वर्ण पदक है। नेक्स्ट है ये एयरलाइंस की पदक विजेताओं का पुरस्कार इसने दिया है। गो फर्स्ट ने ओलंपिक पदक जीतने वाले 6 भारतीय एथलीटों और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा की है और इसके अलावा इंडिगो एयरलाइंस ने ओलंपिक में एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को 1 वर्ष के लिए असीमित हवाई यात्रा की पेशकश करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समुद्री सुरक्षा पर खुली परिचर्चा की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समुद्री सुरक्षा पर एक खुली परिचर्चा पर डिजिटल माध्यम से अध्यक्षता किए हैं और इस परिचर्चा का विषय है समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा और इस परिचर्चा में समुद्री अपराध और असुरक्षा को ये प्रभावी ढंग से मुकाबला करने तथा समुद्री क्षेत्र में समन्वय को मजबूत करने के लिए ये विभिन्न तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया गया है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने बताया है कि यूएनएससी ने समुद्री सुरक्षा और समुद्री अपराध के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की है और कई प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं और इसके अलावा पीएम प्रधानमंत्री ने कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही महासागरों ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और हमारी सभ्यता पर आधारित लोक नीति समुद्र को साझा शांति और समृद्धि के प्रवर्तक के रूप में देखती है और इसे ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में सागर परियोजना को और ये सागर दृष्टिकोण को भी सामने रखा है और इस क्षेत्र में सभी सुरक्षा और विस्तार शामिल है सागर में। नेक्स्ट है ये मध्य प्रदेश विधानसभा ने विधायक मध्य प्रदेश विधानसभा में ये विधायकों को असंसदीय भाषा से बचने के लिए एक पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने विधायकों को सदन में असंसदीय भाषा से बचने के लिए और असंसदीय शब्द तथा वाक्यांश संग्रह पुस्तक का ये विमोचन किया है और ये ताकि संसद की गरिमा बनी रहे और सदस्यों द्वारा कहे गए ऐसे शब्द के लिए बार बार कार्यवाही से हटाना नहीं पड़े। ये दरअसल 38 पृष्ठों की एक पुस्तक को जिसमें 1161 असंसदीय शब्दों एवं वाक्यांशों का संग्रह है, 38 पृष्ठों की एक पुस्तक है जिसमें कुल 1161 असंसदीय शब्दों का इसमें संग्रह है
और यह वर्ष 1954 से लेकर के अब तक विधानसभा के रिकॉर्ड से हटाए गए जितने भी शब्द हैं उन शब्दों के अधिकांश वाक्यांश इसमें शामिल किया गया है। और ये दरअसल विधानसभा सचिवालय द्वारा तैयार की गई इस पुस्तक के संकलन के अनुसार विधानसभा के सदस्य गणों से अब सदन में पप्पू, मिस्टर और ये बंटाधार जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करने की उम्मीद जताई गई है। नेक्स्ट है, ये बीमारी से अचूक इलाज के लिए आयुर्वेदिक बायो बैंक बनाया जाएगा। ये केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने विश्व का पहला आयुर्वेदिक बायो बैंक स्थापित करेगा और इस बायो बैंक के जरिए भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान और आयुर्वेद संस्थान में आने वाले रोगियों के उपचार से पहले और बाद में उनके रक्त का नमूना लिया जाएगा जिसे संस्थान के ब्लड बैंक में संरक्षित किया जाएगा और संस्थान के चिकित्सक इस नमूने का परीक्षण करेंगे और परीक्षण के माध्यम से आयुर्वेदिक दवाओं की उपयोगिता और गुणवत्ता का आकलन होगा। नेक्स्ट है, ये भूपेन हजारिका के घर को सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना शुरू की गई है। ये दरअसल असम सरकार ने एक सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित भूपेन हजारिका के जमीन तथा घर का अधिग्रहण किया है और असम सरकार ने भूपेन हजारिका के गीतों एवं साहित्यिक कृतियों समेत और उनकी तमाम रचनाओं को सुरक्षित रखने के लिए नंगांव जिले में स्थित स्थान पर उस स्थान पर सांस्कृतिक केंद्र विकसित करने का प्रस्ताव दिया है और इसमें एक ये जिसमें एक संग्रहालय और सिनेमाघर और एक पुस्तकालय भी स्थापित किया जाएगा। और ये भूपेन हजारिका की यह जमीन 1974 में कलियाबोर उप संभाग के तहत खरीदा गया था और एक घर उन्होंने बनाया था जिसका नाम अपुन घर रखा था। नेक्स्ट है, ये यूनान के जंगलों में आग लगी है। यूनान के दक्षिणी पेलोपिनेज प्रायद्वीप में ये प्राचीन ओलंपिया तथा फोकीडा और एंथेस के उत्तर में मध्य में ये यूनान में बड़े पैमाने पर आग लगी है और ये दरअसल प्राचीन ओलंपिया एंथेस के उत्तर मध्य में यूनान में बड़े पैमाने पर जो आग लगी है यह प्राचीन स्थल से काफ़ी दूर है लेकिन पूर्व की ओर यह आग पूर्व की ओर बढ़ रही है जिससे गांवों के लिए खतरा बढ़ गया है और एंथेस के उत्तर में माउंट पार्निया में अभी भी यह आग काफ़ी भयंकर लगी हुई है जो कि बीच बीच में और अधिक भड़क रही है। नेक्स्ट है, ये पीएम उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत 10 अगस्त को हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त को उत्तर प्रदेश के महोबा में ये गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बीपीएल लाभार्थियों के बीच एलपीजी कनेक्शन वितरित कर उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण की शुरुआत की है। और पीएम उज्ज्वला योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी और उस समय 5 करोड़ बीपीएल परिवारों के महिला सदस्यों को इस एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है और इस साल बजट में भी पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन देने की घोषणा की गई थी और ये द्वितीय चरण में भी मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है और इस चरण में लाभार्थियों को रिफिल मुफ्त ये एलपीजी कनेक्शन प्रदान की जाएगी। दरअसल ये वर्ष 2018 में योजना के दायरे में दलित, आदिवासी, चाय बगान, अति पिछड़ा वर्ग सहित विभिन्न श्रेणियों के महिलाओं को इसमें शामिल किया गया था और इसके मद्देनज़र 8 करोड़ महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देने का नया लक्ष्य निर्धारित किया गया था और इस लक्ष्य को 2019 में ही पूरा कर लिया गया। नेक्स्ट है, ये पहली बार आईटीबीपी में 2 महिला अधिकारी युद्धक भूमिकाओं में शामिल किया गया है। 2 महिला अधिकारियों को भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर सुरक्षा के लिए तैनात इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी ITBP बल ने अपनी पहली 2 महिला अधिकारियों ये प्रकृति राय और दीक्षा को युद्धक भूमिकाओं में शामिल किया है। नेक्स्ट है, ये भारत और UAE के नौसेनाओं के बीच अबू धाबी में ये जायद तलवार अभ्यास प्रारंभ हुआ है और इस अभ्यास में दोनों देशों की नौसेनाओं ने अबू धाबी तट पर कौशल तथा तकनीकी दक्षता को आपस में साझा किया है और इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS कोच्ची तथा 2 MK-42B हेलीकॉप्टर और UAE की ओर से अल दफरा मिसाइल तथा एक AS-565B पैंथर हेलीकॉप्टर ने भी हिस्सा लिया है।